दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को भोज समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बिटिया सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाएं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि धीमी हो जाएगी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हो, बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने उनका पिंडदान किया था जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर में बेटी जन्म लेती है। वही वह परवल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाएं जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक उत्साह की तरह मनाना चाहिए। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह तो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। अगर आपके वहाँ बेटी है तो उन्हें अपने सपने पूरे करने दीजिए। दोस्तों, हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रयास करें। धन्यवाद।